हेलो फ्रेंड, मेरा नाम देवाशीष चौधरी है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया, चोरी हो गया, तो आप उसको कैसे पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जाना पड़ेगा हमको हमारे मोबाइल पे, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर। हमारे मोबाइल पे जाने के बाद गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। देखिए, गूगल प्ले स्टोर के जाने के बाद ऊपर सर्च कर दीजिए 360 सिक्योरिटी। ये 2017 का नया वर्जन है, बहुत ही अच्छा ऐप है ये मोबाइल की। ये आपको सिक्योरिटी स्कैन भी कर सकते हैं और मोबाइल लॉस्ट होने के भी आप मिल पा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से ये इंस्टॉल करे हुए हैं। तो हम आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए क्या होता है। ऊपर देखिए, ये तीन लाइनें दिख रखा है, ऊपर तीन लाइनें दिख रहे हैं, वो लाइन हम पहले क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, लिख के नीचे लिखा होगा, ऊपर चले जाते हैं, नीचे देखिए लिखा है फाइंड माय मोबाइल, इसको हम क्लिक कर देते हैं। उसको क्लिक करने के बाद देखिए लिखा है एक्टिव, एक्टिव कर लेना होगा इसको, पहले इस ऐप को। हमारा जो आपका जो मेल एड्रेस है, उस मेल से आपको ये पहले साइन इन करना होगा। चलिए हम एक मेरा मेल से ये साइन इन कर लेते हैं। पहले न्यू, उसके बाद पहला नेम आपका, उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद साइड में जो होती चिन्ह दिया है उसका क्लिक है। उसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस दीजिए। ये अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस नहीं है तो गूगल जीमेल पे जाके पहले ईमेल एड्रेस बना लीजिए। चलिए हम हमारा ईमेल एड्रेस दे देते हैं। सॉरी, उसके पास क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए स्किप लिखा है, उसको क्लिक करना होगा। चलिए हम उसको क्लिक कर देते हैं। उसको क्लिक करने के बाद देखिए वो ऐप साइन इन हो रहा है। चलिए साइन इन तो अभी हो जाएगा, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। वो साइन इन होने के बाद देखिए उसका जो ऐप है, पहला ऐप के में लिखा है लोकेशन। लोकेशन के जाने के बाद देखिए आप जहाँ पे हैं वो लोकेशन ट्रैक कर लेगा। टेस्ट लोकेशन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए लिखा है लॉक ड्राइव। आपका जो मोबाइल का ड्राइव है वो लॉक कर सकते हैं आप रिमोट कंट्रोल के जरिए से। चलिए देखते हैं, उसके बाद दिखाते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसको अनलॉक कर लीजिए। अनलॉक करने के बाद देखिए आपको आपका जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाद में दिखाते हैं हम कैसे ये काम करता है। उसके बाद देखिए ये अलार्म है, अलार्म का बटन जो आपका मोबाइल जो जिसने नहीं आए उसको आप परेशान कर सकते हैं अलार्म को दे से। उसके बाद लिखा है सिम नोटिफिकेशन। ये सिम नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, अगर आपका मोबाइल कोई चोरी ले गया है तो आपका सिम जो है वो फेंक देगा। तो उसका जो सिम है वो सिम अगर आपके मोबाइल पे डालेगा तो आपके या एक नंबर चलाएगा उसने, यहाँ पे आपका जो दूसरे मोबाइल नंबर या घर की कोई मोबाइल नंबर आप दे दीजिए यहाँ पे।
चलिए हम एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं हमारे दूसरे मोबाइल की। अब ओके बटन को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है सेंटेक्स। अगर आप सेंटेक्स में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर से उस नंबर पे एक एसएमएस चला जाएगा। तो फ्रेंड उसके बाद दिखाते हैं ये कैसे करते हैं। तो आप इसके पहले ये नंबर यहाँ पे दे दीजिए, आपका घर का नंबर जो है वो नंबर दे दीजिए, घर का या आपका कोई दूसरे मोबाइल है उस नंबर को आप पहले यहाँ पर दे दीजिए। उसके नीचे देखिए डिलीट डाटा लिखा है। वो डिलीट डाटा क्या है, आपके ना जैसे मोबाइल पे जितने भी डाटा हैं आप यह डिलीट कर सकते हैं, आप वैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है चलिए हम चलते हैं। ये ऊपर देखिए फाइंड फोन डॉट 360 सेव डॉट कॉम है, इस लिंक पे क्या है हम दिखाते हैं। चलिए ये हमारे कंप्यूटर में चले आए। कंप्यूटर के जाने के बाद ये हम अभी टाइप कर देते हैं फाइंड INDI फाइंड माई फाइंड फोन PHONE 360 सेव डॉट कॉम FE.com COM। चलिए देखते हैं, एंटर कर दिया। वो करने के बाद देखिए हम 360 का जो पेज है वो पेज में आ गए, उस पेज रीलोड हो रहा है अभी तक। चलिए देखते हैं वो पेज रीलोड होने के बाद क्या होता है। नीचे देखिए लिखा है, ऊपर देखिए ऊपर पहले लिखा है हेल्प। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। नीचे देखिए अभी लिखा है साइन इन विद गूगल, तो पहले आपको गूगल से साइन इन होगा होना पड़ेगा। चलिए हम गूगल पे साइन इन हो जाते हैं। अगर आपका गूगल पे अकाउंट नहीं है तो आप पहले एक अकाउंट बना के या पे एड अकाउंट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पहले से अकाउंट है तो हम इस अकाउंट से क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड के देने के बाद साइन इन कर देते हैं। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए देर हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो मेल है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं। पहले रिकवरी मेल का रिकवरी करना पड़ेगा, उसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए हम एक वेरीफाई अकाउंट नंबर दे देते हैं। हाँ चलिए हम वेरीफाई कर लिए। उसके बाद देखिए ऊपर लिखा है लॉक अलार्म और डाटा रिकवरी, और उसके ऊपर देखिए लिखा है मेरा जो मेल है वो मेल के साथ लिखा है। चलिए हम पहले अलार्म पे जाते हैं। वो अलार्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और फ्री है आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए ये लॉक है, लॉक भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपका मोबाइल लॉक कर सकते हैं आप, वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डाटा डिलीट, उसको भी आप कर सकते हैं, पहले आप कर लीजिए ये सब। और करने के बाद देखिए आपका मोबाइल कोई गुम हो गया, अगर कोई चोर ले गया तो आप पा सकते हैं आपका मोबाइल। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर और एक फ़ायदा है आप लोगों को, हम मोबाइल टेक्नोलॉजी इंटरनेट अपना CSC का नए नए वीडियो डालते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका मेल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड थैंक यू।